Hello friends, welcome to this video on current affairs of 1st August 2017. This current affairs is going to be relevant for all the competitive exams like CLAT, ILET, SAT, MSAT, BLAT and various others. Specifically for those aspirants who want to take the examination in 2018. For more such videos, you can visit our website www.clatgurukul.com. Just in case if you have any feedback or suggestions, you can give us a call on 82943-94519. Before we have a look at this video, let us first discuss the types of courses that we at CLAT Gurukul offer. There are two types of courses. One is the classroom course, the other is the correspondence program. In classroom courses, हमारे पास तीन types के courses हैं. Foundation course जो कि 2 year का program है, target 1 year का program है, और crash course 3 months and 1 month depending upon choice of students होता है. Correspondence program में we offer mock test series. Mock test series में 40 CLAT based mock test provide किए जाएंगे. This mock test will be on online platform. इसके अलावा will be providing you with 100 practice mock tests of previous year, apart from 300 sectional tests and daily current affair updates. We also offer distance learning program, जिसमें हमारे study material in form of books provide किए जाएंगे. There will be 15 such modules. This distance learning program also includes all the facilities provided in mock test series. If you want to subscribe our mock test, please visit www.clatgurukul.com/exam. यहाँ पे आप self subscribe कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो you can visit our website on clatgurukul.com. Now the first question from the current affairs of 1st August 2017. The first question is, which country recently gave the Medal of Honor to James McLaughlin for selfless acts of bravery? The answer, correct answer is USA. So, ये Medal of Honor क्या है? Medal of Honor जो है वो US का highest civilian award है. ये James McLaughlin को दिया गया है. He was an army medic who served in Vietnam War. Vietnam War 1955 और से लेके 1975 तक लड़ा गया था, between Vietnam and USA. ये अवार्ड जो है जेम्स मैकलॉगन को 48 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद से प्रोवाइड किया गया है. एंड हु प्रोवाइडेड द अवार्ड? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. विच कंट्री इज गोइंग टू द कंडक्ट 2024 समर ओलंपिक्स? तो जो ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किया जाता है, जनरली जो मोस्ट पॉपुलर है उसको हम लोग समर ओलंपिक गेम्स कहते हैं. 2024 का समर ओलंपिक्स जो है वो फ्रांस में ऑर्गेनाइज हो रहा है. कहाँ पे? पेरिस में. फ्रांस के पेरिस में ऑर्गेनाइज हो रहा है 2024 का ओलंपिक गेम्स. 2020 वाला कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? 2020 का ऑर्गेनाइज हो रहा है टोक्यो यानी जापान में. 2016 का ओलंपिक गेम्स आप जानते होंगे कि रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में ऑर्गेनाइज हुआ था. इसके बाद से 20 वाला जापान में ऑर्गेनाइज हो रहा है, 24 वाला फ्रांस में ऑर्गेनाइज होने वाला है पेरिस में. वो आप जान लीजिए फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है. फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन. इसके अलावा ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जो ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, ये 1896 में चालू हुए थे. कहाँ से चालू हुए थे? एथेंस जो कि ग्रीस में है, वहाँ से चालू हुए थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. इसको इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी ऑर्गेनाइज करती है ओलंपिक गेम्स को, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के प्रेसिडेंट जो हैं वो थॉमस बैक हैं. थॉमस बैक, BACH. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नेम्ड सिस्को प्रेसिडेंट फॉर इंडिया सार्क रीजन? सो इसका ये रिसेंटली न्यूज में था, हु हैज बीन अपॉइंटेड? समीर गार्दे हैज बीन अपॉइंटेड एज सिस्को प्रेसिडेंट फॉर सार्क रीजन. किसको उन्होंने रिप्लेस किया है? दिनेश मलखानी को उन्होंने रिप्लेस किया है. ये सार्क क्या है? सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. सार्क जो है इसके 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं. वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका. ये 7 कंट्रीज जो है वो सार्क रीजन के मेंबर कंट्रीज हैं. सिस्को क्या है? सिस्को एक नेटवर्क कंपनी है.
अब आपके लिए ये होगा कि आप ये सार कंट्री जो अभी अभी मैंने बताया आप उनके हेड ऑफ स्टेट्स को फाइंड आउट करके उनको याद कर लें, ये काफी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इम्पोज्ड द पेनल्टी ऑफ ₹1 crore ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओन्ड बैंक्स फॉर नॉट फॉलोइंग केवाईसी नॉर्म्स. केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर नॉर्म्स. ये नॉर्म्स को किसने किसको पेनल्टी की गई है? ये पेनल्टी की गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को. आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म्स फॉलो नहीं करने के लिए पेनलाइज किया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में. और इसका सीईओ कौन है? इसका सीईओ है, इसके सीईओ है अरुण तिवारी. अरुण तिवारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेटल्स इंक्लूडिंग लेड एंड मर्करी हैव बीन banned by Supreme Court in firecrackers as they cause enormous air pollution. So the correct answer is 5. 5 metals ka use jo hai wo ban kiya gaya. Ye kaun kaun se metals hain? Ye lead aur mercury to question mein diya hua hai. Inke alawa arsenic hai, antimony hai and lithium hai. इन सबको बैन कर दिया है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने. दे कैन नॉट बी फर्दर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फायर क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ बनाए जाते हैं? शिवकाशी. शिवकाशी कहाँ है? तमिलनाडु में. तमिलनाडु में शिवकाशी जगह है जहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा फायर क्रैकर्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अपनी गड्डी अपना रोजगार स्कीम फॉर जॉबलेस यूथ. ये गड्डी जो है गाड़ी के लिए है, अपनी गाड़ी अपना रोजगार. एंड दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑफ कोर्स इन पंजाब. पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस स्कीम को लॉन्च किया है. इस स्कीम में जो जॉबलेस यूथ हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे 2-व्हीलर और 4-व्हीलर प्रोवाइड किए जाएंगे. ये स्कीम लॉन्च हुआ था, लॉन्च के समय 100 2-व्हीलर्स उबर मोटर के अंदर प्रोवाइड किए गए थे. उबर मोटो. उबर मोटो क्या है? ये एक राइड शेयरिंग ऐप है, मोटर राइड शेयरिंग ऐप है. इसी के अंडर में 100 व्हीकल्स जो है वो इस स्कीम के थ्रू लॉन्च किए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट रिसेंटली. ट्रेड कॉमर्स और ट्रांजिट पे रिसेंटली जो है इंडिया ने भूटान के साथ ट्रीटी साइन की है. भूटान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें. भूटान का कैपिटल जो है वो है थिम्पू. थिम्पू वहां के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शेरिंग तोगबे. और यहाँ के किंग कौन है? पहले आप जान लीजिए कि कुछ दिन पहले तक भूटान जो है वहां पे मोनार्की थी. एंड द किंग वॉज जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक. जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड टू असेस सैनिटेशन इन ऑल 4041 सिटीज एंड टाउन्स ऑफ द कंट्री. सो इस स्कीम ये जो स्कीम लॉन्च हुई है उसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018. ये लॉन्च की गई है. इसका स्वच्छ सर्वेक्षण का पैरामीटर्स क्या है? इसका पैरामीटर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूव्ड सैनिटेशन. ये इसका पैरामीटर है. देखना है कि सिटीज जो है कितने सस्टेनेबल हैं और उन सिटीज में सिटीजन कनेक्ट जो है वो कितना कितना ज्यादा है, कितना अच्छा है. Which Indian city organized 19th RCEP Trade Negotiation Committee meeting? RCEP का full form क्या है? ये है Regional Comprehensive Economic Partnership. ये इसकी Trade Negotiating Committee की meeting कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी. ये committee क्या है? ये committee जो है वो form हुई है. इसमें 10 ASEAN countries हैं. टेन आसियान कंट्रीज कौन कौन से हैं? वो हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम. और इनके 6 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं. वो पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, चाइना, जापान एंड कोरिया. इन्हीं के बीच ये
ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग शेड्यूल हुई थी, तो इसकी 19th जो मीटिंग थी वो हैदराबाद में रिसेंटली शेड्यूल की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज इन्वेंटेड अ लो कॉस्ट डर्ट डिटेक्टर दैट अलर्ट्स अथॉरिटीज व्हेन अ प्लेस नीड्स क्लीनिंग. ये रिसेंटली डेवलप हुआ था. इस डर्ट डिटेक्टर का प्राइम पर्पस है टू अलर्ट द अथॉरिटीज व्हेन अ प्लेस नीड्स क्लीनिंग. मतलब कब सफाई की जरूरत है इस उसके बारे में अलर्ट करना इसका प्राइम पर्पस है. इस लो कॉस्ट टेस्ट डर्ट डिटेक्टर का नाम जो है वो है स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर, और इसको डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर में. अ टीम ऑफ रिसर्चर्स ने डेवलप किया है ये स्मार्ट हाइजीन मॉनिटर जो है SHM. ये क्या करती है, ये इट रिकॉर्ड्स लेवल्स ऑफ अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और सेंसर्स जो है इनके लेवल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी लेवल एक्सीड होता है तो ये अथॉरिटीज को अलर्ट कर देते हैं दैट द प्लेस नीड्स क्लीनिंग. दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग आवर वीडियो फ्रॉम फॉर द करेंट अफेयर्स ऑफ 1st August. इफ यू लाइक आवर वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन YouTube. Like it and press the bell icon. We'll also suggest you to join our discussion forum on CLAT Insight on Facebook. If you have, please also visit our Facebook page and do like it. Thank you.